सुनिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ शायरी के माध्यम से। ना सो का छोटे ना जिक्र अपना करता हूँ, कलम साथी है मेरी, एहसास खुद के लिखता हूँ। आज की जो मेरी पोयम है वो करण के ऊपर है, क्योंकि जो मेरे इंस्पायरेंस हैं उनसे मैं इंस्पायर बहुत ज़्यादा करण की जीवन गाथा, ये मेरी पोयम है। एंड कोशिश करूँगा कि आप उसको समझ सकें। वो दानवीर, वो महावीर, वो सूर्यपुत्र, वो धनुर्विद्या में निपुण था, वो राधे नाम से प्रसिद्ध, वो मेरा प्रसिद्ध करण था। माता कुंती को वो वरदान स्वरूप प्राप्त हुए, परंतु लोकलाज से फिर गंगा में थे बहा दिए। भीषम सारथी अधीरथ व पत्नी राधा ने पाला था, समय के साथ साथ खुद को युद्ध कला में श्रेष्ठ उन्होंने बना डाला था। गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना किया, जाति क्षत्रिय बता दिया, एक दिन कर्ण का भेद भी खुल गया। आवश्यकता पर विद्या भूल जाओगे, ये श्राप उन्हें फिर था मिला, करके पश्चाता परशुराम ने फिर ध्यान उन्हें किया। तेज से जुबित वो उन्हें विजय धनुष था उन्हें दिया, एक दिन अनजाने में उनसे गो हत्या का पाप हुआ। एक दिन अनजाने में उनसे गो हत्या का पाप हुआ, तो भी ऐसा ऐसे ही मरेगा, ब्राह्मण ने ये श्राप दिया। एक कन्या की मदद करने को मिट्टी उन्होंने निचोड़ी थी, तेरा रथ भी पहिया के जगड़ूंगी, युद्ध भूमि में धरती माता ने श्राप दिया। एक दिन हस्तिनापुर में मतले युद्ध में लड़का रहा था, परंतु नहीं थे वे राजकुमार, गुरु द्रोणाचार्य ने सबको बताया था, फिर दुर्योधन ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया, दो पल में उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। छल कपट का उन्होंने कभी नहीं था साथ दिया, द्रौपदी चीरहरण में भी उन्होंने नहीं था साथ दिया, कौरवों के लिए उन्होंने युद्ध भी लड़े थे, दुर्योधन की रक्षा के लिए वो अंतिम सांस तक लड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मुलाकात की थी, पांडवों के पक्ष में आने की उनसे बात की थी, पर वो मित्रता और वचनों के बंधन में बने थे। तुम महान हो राधे, ये शब्द श्री कृष्ण ने कहे थे। महाभारत के युद्ध में जब जयद्रथ, गुरु द्रोण और अश्वत्थामा, युद्ध दुर्योधन, दुशासन, बालक अभिमन्यु को मृत्यु के लिए तड़पा रहे थे, वीर करण फिर उसे मृत्यु देकर बाद में पछता रहे थे। बाद में माता कुंती ने करण से वचन लेने आई, तुम भी पांडव के भाई हो, ये बात सबको बताई। मैं पांडव से कभी ना हारूंगा, तुम्हारे 5 पुत्रों को जीवित छोड़ूंगा, फिर उन्होंने ये वचन दे डाला। माता को फिर सच सब अपने मन का कह डाला। कर्ण के वचन कवच कुंडल लेने इंद्र रूप बदल कर आए, पहचान लिया कर्ण ने तब भी कवच कुंडल उनको थे पकड़ाए। महाभारत के 17वें दिन अर्जुन व करुण का युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में कर्ण के रथ का पहिया धस गया, फिर जब वे करने लगे युद्ध तो विद्या अपनी भूल गए, तब अर्जुन के शस्त्र उनकी छाती होते चीर गए। अगले दिन माता कुंती ने रहस्य उजागर कर दिया, तुम्हारा बड़ा भाई था करण, ये बात भी सबको बता दिया। मैं करण को वीर महाभारत का नायक मानता हूँ, गलती तुम उसकी जानो, मैं तो उसकी अच्छाई जानता हूँ। बस धन्यवाद।